बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास एट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो दिस इज़ योर लेक्चर, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 4। आज हम इंशाल्लाह ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम इंशाल्लाह दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इसकी तमाम की तमाम डेफिनेशंस और पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरह से याद कर सकें, ताकि आपको ये चीज़ भूले ना। स्टार्ट करते हैं अपना रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। सबसे पहले रिलेशनशिप ऑफ बायो, यानी ये डायग्राम के ज़रिए आपको बताया गया है कि ये जो ब्लू कलर का जो आपके पास सर्कल है, ये बायो का सर्कल है। इसका आपने रिलेशनशिप बताना है साइंसेस से, यानी साइंस में केमिस्ट्री भी है, फिज़िक्स भी है, मैथ्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, उन सब से बायो का आपने रिलेशन बताना है। बेसिकली बायो लिंक किस किस से है? बायो बेसिकली लिंक है केमिस्ट्री से। अगर बायो और केमिस्ट्री को मिक्स किया जाए तो हमारे पास बायो का BIO बायो और केमिस्ट्री का पूरा वर्ड बायो केमिस्ट्री बनता है, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ हो सकता है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। सिमिलरली बायो को अगर हम जियोग्राफी के साथ मिक्स करके पढ़ें, इन दोनों को आपस में रिलेट करें, तो बायो जियोग्राफी बनता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कौन सा जानवर कहाँ मौजूद है, वहाँ पढ़ते हैं। इसी तरह बायो को फिज़िक्स के साथ जब हम कंबाइन करेंगे, बायो फिज़िक्स बनेगा, जो कि बोन और मसल्स में पढ़ने में काम आता है। जबकि बायो और मैथमेटिक्स को जब हम कंबाइन करेंगे या रिलेट करेंगे, तो वो बायोमेट्री बनता है, जिसको हम डेटा एनालिसिस में यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट, बायो को जब इकोनॉमिक्स के साथ हम जब रिलेट करते हैं, तो वो बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। दोनों चीज़ों का मिक्सचर हो जाता है, जो कि बेनिफिट्स और लॉसेस में काम आता है। अब अपने चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की सबसे पहले डेफिनेशन आपको समझाई जाएगी। व्हाट आर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस? डेफिनेशन ये है, इंटर रिलेशनशिप, इंटर मतलब दरमियान, रिलेशनशिप मतलब कि उनका ताल्लुक है, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस की मैंने अभी आपको डिफरेंट ब्रांचेज बताई हैं, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, उनका आपस में दरमियान में ताल्लुक देखना इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस कहलाता है। एक्सप्लेनेशन इसकी कुछ यूँ है, बायोलॉजी इन्फॉर्मेशन कैन बी रिलेटेड टू अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। एक बायो है, फॉर एग्जांपल बी फॉर बायो, अब ये मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स और आपका है जियोग्राफी, इन सब से क्या है, ये मिक्स हुए, आप इनके साथ इसको रिलेट करके या ताल्लुक इसका देकर पढ़ सकते हो। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद अदर, हर ब्रांच का आपस में ताल्लुक है। देखो इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं आपको सब बता रही हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। एग्जांपल क्या है? मूवमेंट इन एनिमल। इफ़ यू वांट टू सी द मूवमेंट इन एनिमल्स, तो आप देखते हैं कि आप देखते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जानवर अपना हाथ मूव कर रहा है, ठीक है, आप देखेंगे वो हाथ एनाटॉमी, एनाटॉमी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिए कि क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ठीक है, स्ट्रक्चर ST लिख रही हूँ फॉर स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी यानी फंक्शन क्या है उसका, कि आपका हाथ क्यों मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, पीछे मूव कर रहा है, ये तमाम चीज़ें आप किस में पढ़ेंगे, किसके अंडर, बायो के अंडर। सिमिलरली आपने मूवमेंट देखनी है किस तरीके से हो रही है, और उसके अंदर कौन से मोशन शामिल हैं, यानी हमने वो एक्शन ऑफ लिवर पढ़ा है ना, लिवर फलक्रम फिज़िक्स में, तो वो बेसिकली हम लोग जब वो चीज़ें देखेंगे तो हम किसके अंडर आ जाएंगे, हम कहेंगे हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली बायो और फिज़िक्स जब दोनों को मिक्स करेंगे, रिलेट करेंगे, तो हमारे पास बायो फिज़िक्स बन जाएगा। बायो फिज़िक्स में हम किसी भी चीज़ की मूवमेंट देख सकते हैं, कि उसके अंदर कौन सा फलक्रम है, कौन सा लिवर है, और हमारे पास कौन सा जो है वो एक्शन हो रहा है, लेकिन जब उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन देखेंगे, तब हमारे पास बायो होगी। तो इस तरह हमारे पास ये क्या बन गया, बायो फिज़िक्स बन गया। तो बेसिकली यहाँ पे आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे मैंने इस पार्ट को दो हिस्सों में सिर्फ डिवाइड करने का मकसद ये है कि आपने सारा का सारा टॉपिक याद करना है।
सो बेसिकली दिस इज़ योर टॉपिक डेफिनेशन, ये जो है यहाँ पे आपके पास मेंशन, इसी तरह एक्सप्लेनेशन आपने पूरी की पूरी याद करनी है, और बायोफिजिक्स का पूरा जो है टॉपिक 3 लाइंस का आपने याद करना है, जो कि मैंने आपको सामने लिख दिया है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास ब्रांचेज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।